नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव सिलोनिया और आज मैं दोबारा आप सभी के सामने एक नई YouTube वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप काइन मास्टर के अंदर एक HD वीडियो कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए आपकी क्या सेटिंग्स होनी चाहिए और कैसे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आज उसी चीज़ के बारे में ये वीडियो है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो HD वीडियो जो एक्सपोर्ट करनी है उसकी सेटिंग्स मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब आप काइन मास्टर के ऊपर अगर वीडियो एक्सपोर्ट करते हो तो उसके अंदर एक 1080p और उसके ऊपर के भी दो तीन रिजोल्यूशन की वीडियो के ऑप्शन आते हैं। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1080p की वीडियो एक्सपोर्ट करो। उसके कुछ रीजन्स हैं, वो रीज़न मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जियो जैसे है इंडिया के अंदर, जियो, वोडाफोन और आइडिया, इन्हीं के नेटवर्क्स हैं, तो इनके जो नेटवर्क्स हैं उनकी स्पीड ऐसी है कि आप अगर 1080p में यूट्यूब के ऊपर मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देखते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो यूज़र्स हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स ज़्यादा हैं और जो काइन मास्टर पर आपकी अभी एडिटिंग देख रहा है, ओब्वियसली बात है कि वो काइन मास्टर को अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करेगा। तो अगर वो मोबाइल के अंदर काइन मास्टर यूज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसके पास लैपटॉप नहीं है। तो लैपटॉप अगर नहीं है तो आखिर में बात ये आती है कि अगर वो आपकी वीडियो देख रहा है तो वो आपकी वीडियो को मोबाइल फ़ोन के ऊपर देख रहा है, और कोई भी अगर मोबाइल फ़ोन पे वीडियो देखता है तो अप्रोक्स जो मैंने देखा ना 480p या 720p पे ही लोग वीडियो देखते हैं, उससे ऊपर वीडियो देखते ही नहीं है। फिर भी अगर आपको वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो आप 1080p में वीडियो एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो लोग देखने वाले हैं उनका नेट भी बहुत ज़्यादा उसमें यूज होता है। अगर वो 1080p के ऊपर वीडियो देखते हैं तो वो यही काम करेंगे कि वो 720p पे ही आपकी वीडियो देखेंगे। तो इसलिए आप 1080p पे अगर वीडियो बनाओगे तो आपकी HD वीडियो बन जाएगी। अगर किसी को वीडियो देखनी है लैपटॉप के अंदर तो वो आसानी से उसको देख लेगा और उसको NF क्वालिटी मिल जाएगी उस वीडियो को देखने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स करनी है एक HD वीडियो निकालने के लिए। तो उसके लिए चलते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, और उससे पहले आप सभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो अभी सिंपली हम मेरे काइन मास्टर में आ गए। यहाँ पे आपको सिंपली शेयर पे जाना है, या मतलब नॉर्मली जैसे आप सभी को जो काइन मास्टर यूज़ करते हैं उनको पता है कि आपका ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को जैसे आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप इसको सिंपली इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट के और बिट रेट के। तो आपको क्या करना है, अगर आपको HD वीडियो निकालनी है तो आपका ऐप HD 1080p पे रखना है, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बताया है मोबाइल फ़ोन पे लोग वीडियो देखते हैं तो 720p में ही देखते हैं। फिर भी आप 1080p रखिए। तो यहाँ पे आप फ्रेम रेट को 30 FPS पे रखेंगे तो आपका बहुत ही अच्छी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आप इसको HD पे करते हो तो देखिए इसका बिट रेट चेंज हो जाएगा, और फुल QHD पे करेंगे तो और ज़्यादा इसका बिट रेट बढ़ जाएगा। तो फुल HD पे आप रखिए, आपका जो नेट है वो भी बच जाएगा। और एक बढ़िया इसको 11 MBPS से ऊपर रखो तो आपकी एक बढ़िया वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी, और फ्रेम रेट 30 रखिए। और उसके बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपकी ये 6-7 मिनट की वीडियो है 740 MB की, ये कंप्लीट एक्सपोर्ट हो जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छी वीडियो एक्सपोर्ट होगी। और जो ये आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो जिसमें मेरा फ्रंट है, जिसमें मैं बोल चाल रहा हूँ, ये वही वीडियो है जो मैंने अभी 1080p पे एक्सपोर्ट की है, ये वही वीडियो है। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको वीडियो एक्सपोर्ट करनी है और क्या क्या उसकी सेटिंग्स रखनी है। और उसके साथ ही मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को प्रीमियर प्रो फ्री में डाउनलोड करना है या काइन मास्टर का क्रैक्ड वर्जन कैसे फ्री में डाउनलोड करना है, तो उन सब की वीडियो के लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा। यहाँ से जाके आप उसको आसानी से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो में कुछ भी अगर आपको पसंद आए तो उसको कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।